डंडे बरसाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, और लूट पाट स्टार्ट कर दी। मेरे संग आताबाई करी जी, मारते मारते वो ज्यादा लेकर गली में आए, जैन बंदे का अंदर गुजरे थे। हम लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रुक नहीं रहे, गाली गलौज कर रहे थे, हमारा भी ठीक है। मोबाइल छुड़ा के ले गए हैं, एकदम बिगड़ आई थी, बिगड़ में अल्लाह मचा रहे थे और डंडा वगैरह चला रहे थे वो। आज देहात से लेकर शहर तक भारत बंद करने को लेकर तमाम संस्थाओं ने भारत बंद का आह्वान किया था और सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के विरोध में तमाम प्रदर्शनकारी आगरा की सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। जब उन्होंने आगरा पुलिस प्रशासन से बातचीत की आश्वासन मिल गया, वहां से लौटने के दौरान छिपी टोला बाजार जो कि आगरा का मुख्य कारोबारी बाजार है, वहाँ से लौटते समय कुछ असामाजिक तत्वों ने दुकानदारों के साथ मारपीट भी नहीं की बल्कि लूटपाट की भी, ऐसा दुकानदारों का कहना है। हमारे साथ कुछ दुकानों उनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय कुमार जैन है। क्या हुआ था आपके साथ? जहाँ पर दुकान पर बैठा था तो उन्होंने आते कम डंडे बरसाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, और लूटपाट स्टार्ट कर दी। अच्छा, जिम में 2000 रुपये निकाल ले, डंडे वंडे मेरे काफी मारे पीठ पे सिर में इधर उधर। अच्छा, और रुकनी बहुत कुछ होगी, 10-15 हजार की पब्लिक थी। अच्छा, तब योगी वोगी गालियां पकड़े थे, तमाम टूटी चीजी बात। जी 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 जी, तो मारपीट की है। आपका किस चीज़ की दुकान है आपकी? जी, कपड़े की दुकान है पीछे। कितने बजे की घटना है? लगभग 11:30-12:30 बजे। बारिश के बाद की बात है? बारिश पड़ रही थी। बारिश पड़ रही थी उस दौरान? बारिश पड़ रही थी, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व लगातार चीबी टोला में दुकानों के साथ लूटपाट की जा रही थी और दुकानदारों के साथ मारपीट छीना झपटी की जा रही थी। हमारे साथ और कुछ भी लोग हैं, एक और दुकानदार है, उनके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई है। क्या नाम है भैया? रॉबिन नाम है मेरा। क्या हुआ था आपके साथ? भैया मेरी दुकान खुली हुई थी, दुकान अभी अंदर कर चुका था, पानी पड़ रहा था, मैंने उनसे बोला रुक जाओ, अचानक भीड़ आई ना, दुकान बंद कराने की बोली, मैंने बंद कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, उन्होंने मेरा सामान फेंकना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद डंडे वंडे शुरू कर दिए, हमने रोका, समझ में नहीं आया, मेरे संग आताबाई करी, मारते मारते वो ज्यादा लेकर गली में आए। जी 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 जी, तो फिर रुक नहीं रहे थे, मतलब पढ़ाई वालों ने रोका, उन्हें भगाया, साइड में करा, उन्होंने मारते हुए सामान लेते हुए ले गए, सामान फेंक बाहर पड़ा था वो खा के ले गए। अच्छा, यानी पूरी लूटपाट की है, मारपीट की है, मेरा सामान जो बाहर फेंका था ना वो उठा के ले गए। जी 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 जी, देखिए इस तरीके की घटना है आगरा में हुई है, शायद पुलिस को इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, जब ये व्यापारी पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तब शायद पुलिस प्रशासन के पास बात पहुंचेगी। सुशील कुमार, क्या हुआ था? आज जैन से मोबाइल छुड़ा के ले गए हैं, एकदम बिगड़ आई थी, पेपर में अल्लाह मचा रहे थे और डंडा वंडा चला रहे थे वो, पर्दे वर्दों पर डंडा भी मारा, फिर उसके हाथ में तो मोबाइल चढ़ाया है, चढ़ा के ले गए मोबाइल को और डंडा। कौन ये रैली निकल? रैली निकल रही थी, वो रैली वाले थे। हाँ, रैली आई थी, उसमें रैली में लड़के थे, उन्होंने मारा पिट्टी की है, मोबाइल चढ़ा के ले गए हैं, कुछ और सामान पड़ा हुआ था उसमें से भी उठा के ले गए हैं। आपके साथ कुछ मंदिर को लेकर कुछ बातचीत हुई? हमारा पीछे जैन मंदिर है घर, जैन मंदिर के अंदर घुस रहे थे, हम लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रुक नहीं रहे। जी 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 जी, जैन मंदिर में हमारी हमारी बहनें दर्शन वगैरह करने आती है। जी जी, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए। जी जी जी, और मतलब इस तरह के तो उनका व्यवहार तक की कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सीधे गाली गलौज कर रहे थे, हमारा भी ठीक कर रहे थे। अच्छा, ऐसा कुछ उल्टा सीधा कहा जिस तरीके से? भाई साहब बात ही नहीं कर रहे, छूटते नहीं, धक्का मुक्की हाथापाई कर रहे थे, मंदिर को भी नहीं बख्शा, मंदिर को भी नहीं बख्शा, भाई साहब मंदिर रहे था हमारा जैन मंदिर। देखिए ये जैनी है, यहाँ पर व्यापार करते हैं, स्थानीय कारोबारी है, इनका साफ तौर पर आरोप है कि जो यहाँ पर असामाजिक तत्व रैली के अंदर शामिल थे उन्होंने यहाँ पर आकर दुकानदारों और अन्य लोगों के साथ मारपीट भी नहीं की बल्कि उनके साथ और लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर विभिन्न संगठनों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का जो 2 अगस्त 2024 का आदेश है उसके विरोध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और इस ज्ञापन देने के क्रम में अलग अलग संगठन अलग अलग संख्याओं में बहुत सारे लोगों को झंडे बैनर के साथ लेकर आए थे और इनके द्वारा नारेबाजी वगैरह करते हुए ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग वापस अपने गंतव्य स्थानों पर जा चुके हैं। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना या लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या आगरा जनपद इस दौरान उत्पन्न नहीं। आगरा से प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।